हाउ मोर आई कैन गाइड यू अदर देन ज्वाइनिंग माई कोचिंग सेंटर एंड ऑल मुझे एक चीज़ ट्राइक किया इतने बच्चे देख रहे बट जब वो देख रहे तब वो अकेले ही होते हैं सो आई फेल्ड के नाउ टाइम हैज़ कम टू बी पर्सनल सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपके प्रॉब्लम या आपके सामने जो भी एडवांटेज है उसको लेके बात करूँगा So you can prepare yourself for NIFT or already you have given the NIFT and uh, you are satisfied then how you can prepare yourself for your future What I want to tell you okay, when you want to become a designer, then there are few things definitely will... कम टू योर माइंड एंड इन दिस पर्सनल डिस्कशन आई विल शेयर माई ओपिनियन विथ यू द फर्स्ट थिंग एंड द फोर एक्सपेंस नाउ निफ्ट का जो एक क्रेज है उस क्रेज में ऐसे भी एक सेगमेंट है जो निफ्ट खुद ही अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैटेगरी बनाकर रखा है वह है ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी नॉन क्रिमी एंड दो इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी बट वी कैन कंसिडर दैम एज एन इकोनॉमिकली पुअर तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि निफ्ट ये सब तो किया है कैटेगरी किया है एंड हंड्रेड परसेंट मुझे इसकी लॉजिक समझ में नहीं आता है कि क्यों ये बनाया है क्योंकि कैटेगरी करके इकोनॉमिकली पुअर जो है उनको मैं नंबर कम रख के वेटेज कम रख के निफ्ट में ले लिया फाइनेंशियल कोई बेनिफिट नहीं दिया तो मुझे लॉजिक ना समझ नहीं आता है जैसे निफ्ट का एक सेगमेंट और भी है पीडब्ल्यू जो है पर्सन विथ डिजेबिलिटी तो पर्सन विथ डिजेबिलिटी उनको हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम है बहुत टाइम पे जब मेंटली प्रॉब्लम भी होता है डिसलक्सी एंड ऑल ये भी इसमें काउंट होता है आई कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन कैन एफोर्ड बट ही हैज और शी हैज डिसक्सिया एन ऑल तो उनको वो एग्जाम बैठ के देने में दिक्कत आ रहा है उनको मैं थोड़ा सा इजी कर दी एग्जाम थोड़ा सा जो कट ऑफ है उसको गिरा दी उनको चांस दे दिया देन द पर्सन कैन एफोर्ड सो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट बट जिनको मैं ये बोल ही रहा हूँ कि यू आर इकोनॉमिकली पुअर दैट मीन्स आप शायद शायद कैपेबल ना भी हो कि आप पूरा फीस प्रॉपर तरीके से और बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के फैमिली के एक्स्ट्रा एफर्ट पे पे कर पाओ उनको मैं ले रहा हूँ उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रख रहा हूँ उनके लिए कोटा बना रहा हूँ एंड देन फाइनेंशियली कोई मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ सो दैट एक्चुअली क्वाइट कन्फ्यूजिंग मुझे हमेशा कन्फ्यूजिंग लगता है तो मुझे कभी भी निफ का को कोई बंदा मिले मैं बहुत देर समझने की कोशिश किया है कि क्यों क्योंकि क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि सार्थक का जो स्कॉलरशिप है उसके बेसिस पे बहुत लोग आते हैं और सबको ये लगता है कि अगर मैं इकोनॉमिकली पोर हूँ तो मुझे सर्थक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा सर्थक स्कॉलरशिप इज नॉट मैंडेटरी एंड सबसे बड़ी बात है जहां पे चूक होते हैं स्कॉलरशिप मिलता है फर्स्ट सेमिस्टर के फीस पे करने के बाद सो दैट लास्ट ईयर जैसे नॉन फिगर वन लाख सेवेंटी थाउजेंड के आसपास जो पूरा उनका फीस था फर्स्ट यू विल पे दैट देन यू विल परफॉर्म वेल इन सेमिस्टर वन तब जाके सार्थक की बात आते हैं सो टेक दैट इंफॉर्मेशन वेरी clearly ये निफ्ट अगर आप ट्राई कर रहे हो इन the फाइनेंशियल ग्राउंड आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है एंड निफ्ट का जो फीस है वो कुछ कम नहीं है एक साल का जो फीस है निफ्ट का वो तीन लाख क्रॉस कर जाता है और ये मैं सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ ट्यूशन और library fees ये जो basic है इसकी बात कर रहा हूँ इसके अलावा आपका हॉस्टल का खर्च आता है इसके अलावा आपका मटेरियल कॉस्ट आते हैं इसके अलावा आपके एंड और ये सारे खर्चे आते हैं अगर आप शहर से दूर जाके पढ़ रहे हो बहुत सारे ऐसे हिडन कॉस्ट आते हैं तो मैं इन सब चीज़ को अगर मैं एक हिसाब में लेता हूँ सो किसी भी तरह से चार साल निफ्ट पे पढ़ने के लिए आपको एट्टीन टू ट्वेंटी टू लैक्स खर्चा करना पड़ता है एंड ये जो खर्चा है इसके लिए लोन जो एजुकेशन लोन है वो तो मिलते हैं एंड निफ्ट में है इसलिए थोड़ा सा आसान भी होता है दैट इज देयर बट स्टिल काफ़ी फैमिली के लिए ये बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस है सो so, जब आप निफ्ट सोच रहे हो इस सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझ लेना कि यू आर कंफर्टेबल और नॉट सार्थक आपके लिए एक लॉटरी है कंसीडर सार्थक लाइक अ लॉटरी आप अगर मिल जाता है सो so, जैसे लॉटरी में होता है यू आर लकी बट उसके भरोसे में यू कॉन्ट थिंक ऑफ निफ्ट आप लॉटरी के भरोसे में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो ये ही प्रॉब्लम है बहुत बच्चों के साथ एंड बहुत निराशा होते हैं क्योंकि जो नंबर है जो वो कोटे का जो फिगर्स है वो बहुत कम नहीं है काफ़ी बच्चे होते हैं जो उसमें आ जाते हैं और बाद में बच्चे खुद उसके फैमिली फ्रेंड्स बहुत परेशान रहते हैं एंड सबसे बड़ी बात है आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली सपना आपका है बस देखने का टाइम पे एकदम क्लियर हो जाना कि आपके पेरेंट्स क्या उसको पूरा ढंग से कर पाएंगे मैं आपको आज ये बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म में थ्रू बार बार ये बात बोलता हूँ डिजाइनर बनने के लिए या फैशन डिजाइनर बनने के लिए निफ्ट कोई अमृत नहीं है जो एक बार चख लोगे तो हो गया काम इससे अच्छा अगर आप फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करते हो तरीके से कॉलेज चूज करते हो एंड तरीके से अपना हार्डवर्क देते हो देन यू आर मच मोर सॉर्टेड देन ओनली द निफ्ट क्रेज मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शायद आप उस टाइम पे नहीं समझ पाते हो जब हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं पर्सनल लेवल पे कि वो लोग अंदर से कितने दुखी होते हैं जो लोग अपने बच्चे का सपना फुलफिल नहीं कर पाता है

कहीं ना कहीं इसको इतनी क्रेज मत बनाओ कि वो आपके लिविंग पे अफेक्ट करे आपके मेंटल कंडीशन में अफेक्ट करे और मैं ये इसलिए आपको आज बोल रहा हूँ क्योंकि तो आपके लिए ये साल शायद आप पहली बार ट्राई कर रहे हो या दूसरी बार ट्राई कर रहे हो बट मैं चौदह साल से देख रहा हूँ मेरी कोचिंग इंस्टिट्यूट चौदह साल से है मैं चौदह साल से ऐसे फैमिली को बिखरते हुए देखा है बर्बाद होते हुए भी देखा है सो ये जो पैशन है अपने जो ड्रीम है उसके लिए आप मेंटेन रखो एक कॉलेज के पीछे इतने मत भागो सो so, मैं पहले वीडियो पे भी ये बोला था इफ यू आर वेरी क्लियर वेरी श्योर दैट आपको लाइफ में क्या करना है कैसे डिजाइनर बनना है क्या करना चाहिए क्या सोच रहे हो आपकी एसओपी अगर रेडी है स्टेटमेंट रेडी है शेयर अस विद दिस ई जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है या कॉमेंट बॉक्स में लिखो वी विल डिस्कस अगर आपके जो बात है उस पर दम है बात करने लायक है अगर मेल अननेसेसरी लगे मुझे तो मैं उसमें बात नहीं करूँगा बट अगर एक्चुअली बातों में दम है सो आई विल डिस्कस आई विल डिस्कस ओपनली एंड रिसेंटली मेरे को एक uh, अपना जॉइंट बटन का भी ऑप्शन मिला हुआ है जो वो ऑन करने का मैं सोच रहा हूं एंड मैं ये सोच रहा हूं कि उस पर अपने जो मेम्बरशिप प्लेटफॉर्म है उसमें ग्रुप बना बनाओ ऐसे जो आपस में डिस्कस करे लेट द होल थिंग ग्रो एंड लेट लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड लेट गाइड ईच अदर आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है सो वी कैन स्टार्ट दिस जर्नी बट ये तो गया फाइनेंस फाइनेंस के बाद जो आता है वह स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन मामले पे भी मैं हर साल देखता हूँ कि बहुत बच्चे एक चीज़ में बहुत गलती करते हैं जो आप मत करो सो so, वो ये है कि निफ्ट के जो सेंटर एंड जो कोर्स ये दोनों ही बाय चॉइस नहीं मिलता है वो आपका आपके रिज़ल्ट और रैंक के बेस पे मिलेगा अब मैं ये इस टाइम पे क्यों बात कर रहा हूं बिकॉज जो दो साल से देख रहा हूँ ये कोरोना के पैटर्न के टाइम पे के निफ्ट में होता क्या है कि ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट करते 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 वो लोग बहुत लंबा खींच देते हैं बाई दैट टाइम अदर कॉलेज के सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं सो so, कहीं ना कहीं आपके तरफ से अगर ऐसे सिचुएशन हो जाता है कि यू आर नॉट पर्टिकुलरली ओके विद दैट कोर्स ओके विद दैट एरिया तो आप ड्रॉप कर लेते हो एंड तब आप बहुत कन्फ्यूज हो कि ईयर हो गया एंड बहुत फैमिली में ईयर को एक्सेप्ट नहीं करते एंड दैट टाइम क्या हो रहा है जैसे मैंने बोला बाकी ऑप्शन बंद हो गया नेब डिले कर दी आपको नहीं मिला एंड नाउ अ फिक्स वेट टू गो वट टू डू सो यू हैव टू प्लान दिस ऑल्सो दिस ऑल अर वेरी वाइटल फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ बच्चे के लाइफ में आते हैं सो फाइनेंस यू हैव टू थिंक एंड वर्कआउट फॉर दैट डोंट वेट फॉर द लास्ट और स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली exactly क्या सीखना चाहते हो क्योंकि मैं ये हंड्रेड परसेंट मानता हूं कि कोई बच्चा बोले कि मेरे को जो भी मिलेगा कर लूंगा फायदियों जिंदगी में कुछ कर पाए बिकॉज दिस कोर्स अबाउट अ पैशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मिलेगा कर लूंगा ऐसे नहीं है ये कोई खाने की चॉइस नहीं है रोटी मिले तो रोटी राइस मिले तो राइस यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर दिमाग में वो है नहीं स्पेसिफिकेशन दैट मीन्स यू आर स्टिल नॉट रेडी कंफ्यूज हो तो भी आप मेल कर सकते हो कि मुझे आप गाइडेंस चाहिए वी विल कम अप आवर काउंसिलिंग सेशन एंड ऑल और ये ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने फ्यूचर प्रोग्राम को प्रोमोट कर रहा हूँ मुझे भी लग रहा है बोलते हुए बट एक्चुअली वो नहीं था ये काउंसिलिंग एंड ऑल हर साल हम लोग करते हैं अगर उस तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि लास्ट ईयर मेरा चैनल हैक करवाया गया था बिकॉज ऑफ एनी आई डोंट नो क्यों बट उसमें जो भी पुराने वीडियोस थे उसमें काफ़ी काउंसलिंग वीडियोस वगैरह सब कुछ थे मोर देन 300 हंड्रेड वीडियोज़ वेथ बट ऐसा नहीं है हैक हुआ तो कोई बात नहीं जैसे मैंने इस सीरीज़ में बोला है एक दरवाज़ा बंद होता है कई ओपन होता है मेरा एक चैनल हैक हुआ था अब सिर्फ ये डिज़ाइन बी इन सब फील्ड के लिए मेरा तीन चैनल है अभी जैसे ये चैनल है बी का चैनल मैंने स्टार्ट किया है जो बी एफ ए विथ डिज़ाइन है एंड मैं पोर्टफोलियो के लिए भी एक चैनल शुरू कर रहा हूँ जिस चैनल पर मैं सिर्फ जो एब्रॉड स्टडीज़ के नीटिग्रिटी है उस पर बात करूँगा पोर्टफोलियो विथ की आर्ट डिज़ाइन सो वही मैंने बोला है कि एक रुकता है दस को तुम ओपन कर सकते हो इट इज़ योर स्पिरिट एंड कहीं पे आपको स्पिरिट कम पड़ रहा है वी आर देयर टू गाइड यू इफ यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग राइट एंड प्रैक्टिसिंग हार्ट सो आई वुड लव टू लिसन फॉम यू राइट इन डाउन और Comment box, hai. see you in my next video.